मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू योर EVS ऑनलाइन क्लास। डियर चिल्ड्रन, वी आर रीडिंग चैप्टर 5, ईटिंग टुगेदर। सो लेट्स कंटिन्यू इट। डियर चिल्ड्रन, प्लीज़ ओपन पेज नंबर 31 एंड स्टार्ट रीडिंग विद मी। डियर चिल्ड्रन, इन दिस चैप्टर वी आर रीडिंग अबाउट ईटिंग टुगेदर, राइट? Like we eat together in school, hostel, canteens, at home, in school, recess period में आप लोग एक साथ खाते हैं ना, कितना enjoy करते हैं। तो इसी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब इसमें क्या है बेटा, midday meals are also introduced and they are also eating together। इसमें क्या होता है बेटा, midday meal is a scheme of the government and government aided primary schools program to improve the nutritional status of school going children। school jane wale bachchon ki nutritional needs ko improve karne ke liye ye program introduce kiya gaya tha। yani ki bacche kai kuposhit hote hain, unhe proper khana nahi milta hai khane ke liye, to aise bachchon ko स्कूल में ही खाना प्रोवाइड किया जाता है। द प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स गेट लंच ऑन ऑल स्कूल डेज एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको स्टूडेंट्स को स्कूल में ही लंच बिना किसी पैसे के यानी फ्री में दिया जाता है। द मिड डे मील प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड बाय के कामाराज, द CM ऑफ तमिलनाडु। उस टाइम पर जो के कामाराज CM थे तमिलनाडु के, उन्होंने सबसे पहले चेन्नई में ये प्रोग्राम शुरू किया और फिर धीरे धीरे इट एक्सटेंडेड टू ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तमिलनाडु। उसके बाद गुजरात में स्टार्ट किया गया एंड स्लोली स्लोली ये ऑल ओवर इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑल ओवर इंडिया ही इसको इनिशिएट कर दिया था। इसका बेनिफिट क्या होता है मेनली, इसके एडवांटेजेस देखिए। The midday meal has many advantages. It creates harmony among children. बच्चों के बीच प्यार बढ़ाती है बेटा। The students learn sharing. वो एक दूसरे से चीज़ें शेयर करना सीखते हैं। The children learn to eat together. एक साथ खाना सीखते हैं। The children get nutritious food. उन्हें अच्छा हेल्दी खाना मिलता है बेटा, पोषक तत्वों से भरपूर। It gives employment to women who cook the meal. जो ladies खाना बनाती है ना women, उनको employment मिलता है यानी नौकरी मिलती है, ठीक है। Let's know families that eat together stay together. जो एक साथ खाती है ना families, वो रहती भी एक साथ है, प्यार बढ़ता है बेटा एक साथ खाने से। Okay, now come to next टॉपिक, दैट इज लंगर। लंगर इज ऑल्सो इनिशिएटेड एंड ईटिंग टुगेदर। लंगर इज द फ्री मील सर्व्ड इन अ गुरुद्वारा। लंगर किसे बोलते हैं, जो गुरुद्वारे में मुफ्त में खाना मिलता है, सर्व किया जाता है उसको। इट वॉज स्टार्टेड बाय गुरु नानक देव जी, द फर्स्ट सिख गुरु। जो सबसे पहले सिख गुरु थे गुरु नानक देव जी, उन्होंने इसे स्टार्ट किया था। People of all religions sit together on the floor and eat together. हर religion के लोग जो वहाँ पर गुरुद्वारे में माथा टेकने जाते हैं बेटे, आप लोग भी गए होंगे, वो ज़मीन पर बैठकर एक साथ लंगर छकते हैं। इसको लंगर छकना बोलते हैं यानी खाना खाना। ओके, People who volunteer to serve are called सेवादास। और ये देखो, जो लोग खाना दे रहे होते हैं ना डाल के, उन्हें बोलते हैं सेवादार। ओके, तो सेवादार वहाँ सेवा करते हैं और सबको खाना खिलाते हैं। नेक्स्ट इज भंडारास। मैनी टेम्पल्स ऑल्सो प्रोवाइड फ्री फूड टू विजिटर्स। कई मंदिरों में भी फ्री में खाना दिया जाता है। द कम्युनिटी किचन्स इन टेम्पल्स आर नोन एज भंडारास। तो जो मंदिरों में किचन बनी होती है ना बेटा, बड़ी बड़ी सब लोग मिलकर जहाँ खाना बनाते हैं और मिलकर सब में बांटते हैं, खाते हैं, खिलाते हैं, उसको बोलते हैं भंडारास। सम रिलीजियस प्लेसेस मेक फूड्स अवेलेबल एट वेरी नॉमिनल चार्जेस। और कई रिलीजियस प्लेस ऐसे हैं, धार्मिक स्थान, जहाँ पर बहुत कम पैसों में खाना दिया जाता है, या इस तरह से भंडारे लगाकर जगह जगह मंदिरों में भी लगते हैं, लोग वैसे भी कहीं पर लगा लेते हैं एक साइड पर और फ्री में खाना खिलाया जाता है। तो बेटे
खाना सब मिलकर जब खाते हैं ना तो उसका स्वाद भी बढ़ता है और उससे हम खुश रहते हैं, और खुश रहते हैं तो हमारी सेहत बनती है, सब कुछ है ना। सो यू शुड ऑलवेज ईट टुगेदर विद योर फैमिली। ओके डियर चिल्ड्रन, टुडेज क्लास इज ओवर। योर होमवर्क इज टू रीड पेज नंबर 30 एंड 31 एज वेल। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।